मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 24। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपको किसी दिए हुए ट्रांसफॉर्मेशन या मैपिंग के थ्रू जेड प्लेन की इमेज को डब्लू प्लेन के अंदर ट्रांसफर करना सिखाया था, अब उसी तरह का एक एग्जांपल नंबर 7 है। इसमें वो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, फाइंड करिए इमेज किसकी, ट्रायंगल की, और ट्रायंगल के कौन से प्लेन में है, जेड प्लेन में। और ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, जो शीर्ष हैं, वो कितने दे रखे, आई वन प्लस आई वन माइनस आई, ठीक है ना। वो कह रहा है कि इस जेड ट्रांसफॉर्म जेड प्लेन के अंदर जो ये ट्रायंगल है इसे ट्रांसफर करिए किसमें, डब्लू प्लेन में, किस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करिए। तो पहले मैंने दो सवाल दे रखे, पहला आयो दूसरा आयो, एक बार तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करना, एक इसके थ्रू करना। तो मैंने पहले वाली ट्रांसफॉर्मेशन ली, w इज इक्वल टू 3z प्लस 4 माइनस 2i, w में z का मान रख दिया, अलग अलग कर लिए, u अलग निकाल दिया, v अलग निकाल दिया, ठीक। अब मैंने क्या करा, मेरे जो ट्रायंगल दे रखा जेड प्लेन में, इस ट्रायंगल के जो वर्टिक्स है वो लिख लिए, पहला आई है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बने, 0 1, 1 और आई है तो 1 1 बन गए, 1 माइनस आई का क्या बन गया, 1 माइनस 1। मैंने कहा था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कोऑर्डिनेट ट्रीट करना, कितने पॉइंट आ गए, ये पॉइंट, मैंने ये पॉइंट क्या करे, ग्राफ में ड्रॉ कर लिए, तो मेरा एक ट्रायंगल बन गया। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया मेरा, ए बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल बन गया, देखो सर जब तीनों पॉइंट मैंने करे। अब मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल को मुझे ट्रांसफर करना किसमें, डब्लू प्लेन में। ट्रांसफर कैसे होगा, तो मैंने इन क्वेश्चन में पहले भी बताया सवाल कि जेड प्लेन में पहले एक्स और वाई लिख लो, एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, 0 1 1 0 1 1, फिर वाई की वैल्यू 1 1 माइनस 1 लिख दिया, फिर डब्लू प्लेन में पहुंचा। अब यू इतना है, वी इतना, कन्वर्ट करता चला गया, तो नए कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4 1 7 1 7 माइनस 5, उठा गए, अभी ने किसके अंदर मैप कर दिया, ग्राफ के अंदर, कौन से प्लेन में, डब्लू प्लेन में। इस प्लेन को क्या बोलते हैं, डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक तरफ वी लिया जाता है, एक तरफ यू लिया जाता है, एक तरफ वी लिया जाता है। उठा गए पॉइंट, यहाँ मैप कर दिए, मैप करती ये फिगर बन गई, ये वाली, जब ये बन गई, तो कहने का मतलब आपका जो ट्रायंगल था कौन से प्लेन में, जेड प्लेन में, वो किस में ट्रांसफर हो गया, इस वाले प्लेन में ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब इसका सेकंड ऑप्शन था इस सवाल में, सेकंड ऑप्शन कहने लगा अब इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू करिए, तो अब इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन को लेके चलाना, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई की पावर 5πi/3z-2+4i। मैंने ई की पावर 5i/3 का वैल्यू लिख दिया, cos π/3 5π/3 प्लस आई साइन 5π/3, जेड का मान रख दिया, इसमें से रियल पार्ट अलग, इमेज ने रियल अलग, कैलकुलेशन कर दी सारी की सारी, तो सब जब कैलकुलेशन आई तो यू मेरा अलग निकल गया और वी मेरा अलग निकल गया। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, आगे का काम अपने आप करना। अब कहोगे गुरु जी कैसे करना, तो देखो जेड प्लेन तो यही है, जेड प्लेन तो फिक्स है उसका, अब आपको यू और वी इस तरह निकालने, मतलब यू और वी की वैल्यू हो जा पहले की तरह, जैसे पहले तो इसमें रखी थी वैल्यू यू और वी निकालने के लिए, अब किस में रखेंगे, इनमें रखेंगे। इस सवाल को अपने आप करना है, इसका ग्राफ भी आपको अपने आप बनाना, क्लियर बात मेरी, तो मैंने इसलिए लिख दिया, ठीक है ना, अपने आप करना है इस सवाल को, ध्यान रखना आप। अब देखो आपको एक तो मिलेंगे ऐसे सवाल जैसा ये पहला सवाल गया, इसमें क्या था, पॉइंट दे रखे थे। अब आपको एक सवाल मिलेंगे ऐसे, वो कहेगा इमेज निकालिए किसकी, जेड माइनस 3i का मोड इज इक्वल टू 3, इसकी इमेज निकालिए किस, कौन सी मैपिंग के थ्रू, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z के थ्रू, ये इमेज किस में है, जेड प्लेन में, क्योंकि इसके अंदर जेड इस्तेमाल हो रहा। अब ये देखनी है ये इमेज है किसकी, ये एक सर्किल है, कैसा सर्किल है, जिसका सेंटर 3i है और रेडियस कितनी है 3, क्योंकि मैंने सर्किल की इक्वेशन लिखी थी जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर लिखा था ना, मोड, ये सर्किल की इक्वेशन जेड माइनस ए का मोड इज इक्वल टू आर, ये कहा था इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है, और ये कहा था ए सेंटर है, आर रेडियस है इसके अंदर, ये बताई थी मैंने बात आपको कि ए क्या है इसका सेंटर, आर क्या है इसकी रेडियस, ये तो है सेंटर और ये होती है रेडियस, ये बताई थी। तो वो कह रहा है कि एक सर्किल को ट्रांसफॉर्म करिए किससे, डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z से, देखो मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा है इसे। तो दूसरा तरीका है ये ऐसे क्वेश्चन में करना है ये काम, जो अब हम तकनीक बताने जा रहे हैं, जिनमें आपको पॉइंट ना दिए हों, फिर एक फिगर दी हूँ, फिगर की इक्वेशन दी हो, तो देखो डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z से ट्रांसफर कर रहा हूँ, देखो कैसे होगा ट्रांसफर, जेड को डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z को इधर ले आना, 1/w मान रख देना, 1/u+iv, ठीक है ना। इसका रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए कॉन्जुगेट से गुणा भाग कर देना, ये इतना आ गया, रियल और इमेजनरी पार्ट अलग होकर एक्स का मान आ गया, वाई का मान आ गया। तो जो आपको दे रखा है सर्किल, इसमें जेड का मान रख देना, इस सर्किल को ओपन कर लेना, इसमें एक्स की जगह तो यू एक्स रख देना, अरे वाई की जगह यू वाला वाई रख देना, तो कैलकुलेशन जब कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन जब पूरी सोल्व कर लोगे आप, तो ये फाइनली ये कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी आपकी, इतनी आ जाएगी। यहाँ से दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, या तो पहले वाला पार्ट जीरो है ये,
या फिर ये बाद वाला जीरो। अगर ये पहले वाला जीरो है तो ध्यान से देखो ये किसका इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर और रेडियस कितनी है जीरो, तो इससे सर्किल नहीं बन सकता। तो इसका मतलब ये तो खत्म ही हो गया आपका, केवल आपके लिए कामयाब पॉइंट कौन सा रहेगा ये। अब तुम कहोगे गुरु जी सर्किल इक्वेशन क्यों है, ये सर्किल की इक्वेशन इसलिए हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी सर्किल की, 2gx + 2fy प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इंटरमीडिएट में पढ़ते आए हम ये इक्वेशन सर्किल की। क्यों? क्योंकि यहाँ जी और माइनस एफ क्या बोले जाते हैं, सेंटर, और रेडियस कैसे निकलती है, रेडियस मैंने बताई थी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से रेडियस निकलती है। और जनरल इक्वेशन तो आपने हमेशा पढ़ी है ये, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको ये पता होना चाहिए यू और वी कहाँ जाने हैं, ये यू और वी, अब जा एक तरफ यू यू एक्सिस होगा, एक तरफ वी एक्सिस होगा, ये भी एक्स वाई की तरह ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ट्रीट करना है, इसे समझ में आ जाएगा एकदम तुरंत देखते ही। तो वी कितना निकल गया, 1/6, ठीक है ना। आप कहोगे गुरु जी आप ज्योमेट्रिकली दिखाओ, तो ज्योमेट्रिकली देखो पहले तो मैं इस सर्किल को ड्रॉ करूंगा, सेंटर 0, 3 है, रेडियस 3 है, तो सर्किल कुछ इस तरह बनेगा। देखो मेरे पास अच्छा सा नहीं बना, इलिप्स जैसा हो गया, लेकिन ये सर्किल है, बिल्कुल गोल है, थोड़े से कोऑर्डिनेट में सही नहीं से नहीं बन पाए, बाकी सर्किल ही है, ठीक है ना। इसका सेंटर वही मैंने 0, 3 माना, ऊपर 5 तक लेके गया, 5 तक लेके गया ऐसे, और नीचे कहाँ तक लेके गया, 0 पर टच कर रहा लागे, ठीक है ना। अब इसका जब मैपिंग दोगे तो वी का मान कितना आ रहा हमारा, वी का मान आ रहा 1/6। तो बस एक तरफ यू एक्सिस, एक तरफ वी एक्सिस, कोऑर्डिनेट वी पे 0 के बाद 1 लिया, 2 लिया, 1/6 कहा, तो 1/6 का मतलब कितना हो गया, लगभग 0.3, ठीक है ना, 0.3 पे ले जाकर लाइन खींच दी। वैसे तो यहाँ लगभग यहाँ 0.5 मान के चला मैं, तभी तो ये 1 होगा, उसके बाद 0.3 पे जाकर लाइन खींच दी। तो ये सर्किल आपका केवल किस में मैप हो गया, एक लाइन में मैप हो गया, इस तरह मैपिंग करनी है आपको, ठीक है। अच्छे देख लो सवाल को आप, देखो ठीक है, याद रखना इस तरह मैपिंग करनी है। इसके बाद वाले जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10 आपको अपने आप करने हैं, ध्यान रखना इस बात का। उन दोनों एग्जाम्पल में थीटा वगैरह का यूज़ हो रहा है, आपको थीटा वगैरह का यूज़ नहीं करना, जो जेड का यूज़ बताया ना इस तरह से, यही जेड का यूज़ करना, थीटा यूज करना नहीं है उनमें, चाहे कुछ भी आए उसमें, अगर कोई दिक्कत आई तो मुझसे कॉल कर लेना। एग्जाम्पल 9 और 10 में यूज़ कर रखा उन्होंने थीटा वगैरह का, वो यूज मत करना। इस एग्जाम्पल में बता रखा थीटा का यूज करके करना नहीं है आपको, पहले मेरे से डिस्कस करना है, फ़ोन कर लेना अगर कोई दिक्कत आई तो आपको, जेड से सवाल करो जिस तरह ये सवाल किया मैंने, ठीक है ना, इस तरह कर लेना है आपको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब एक ये याद रखना, वो आपसे पूछ सकता है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, या मोबियस नाम भी बोलते हैं इसका, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा याद रखना अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इस तरह की है, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ ए बी सी डी आर कॉन्स्टेंट हैं। ये क्या है आपके, कॉन्स्टेंट, क्लियर है बात मेरी। तो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की होती है, ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोली जाती है, ठीक है ना। ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कन्फर्मल हो जाएगी, क्योंकि ये भी मैपिंग ही है, एक जेड का मान दोगे डब्ल्यू आएगा। ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बोली जाएगी, कन्फर्मल, कब, जब अगर डी डब्ल्यू और डी जेड करो आप, कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इस फर्स्ट से हम चाहें तो जेड का मान भी निकाल सकते हैं, अगर जेड निकाल लोगे तो जेड भी एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू दो जेड निकल जाएगा, ठीक है ना। पर यहाँ पे भी ध्यान रखना, यहाँ पे वैसे तो उसमें भी बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना जेड की ऐसी वैल्यू मत रख देना जब भी जीरो हो जाए, और जेड की ऐसी वैल्यू कौन सी होगी, माइनस डी अपॉन सी। देखो मैंने लिख भी रखा, जो पहले वाली है, एवरी पॉइंट ऑफ जेड प्लेन इज मैप यूनिक पॉइंट इन डब्ल्यू प्लेन एक्सेप्टेड जेड इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, अगर जेड की जगह माइनस डी अपॉन सी रख दे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, अरे बात समझ में, तो वहाँ दिक्कत हो सके, बाकी और कहीं दिक्कत नहीं होगी, इसे भी कहाँ दिक्कत होगी, जब आप डब्ल्यू की जगह कितना रख दोगे, ए अपॉन सी लिख रखा मैंने, ये बात याद रखना। ये बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी पूछ सके इसके दो नंबर की, तो इसे ये परिभाषा लिख के, ये सारी बात लिख के बता देना, ये कॉन्स्टेंट है, ये आपकी बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस तरह की होती है, ठीक है ना। ये बता देना ए बी सी कॉन्स्टेंट है, और डी डब्ल्यू डी जेड अगर नॉट इक्वल टू जीरो आया हर पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे, ट्रांसफॉर्मेशन कैसी हो जाएगी, कन्फर्मल, ये बात लिख देना। अब एक परिभाषा है इनवेरियंट पॉइंट, वो पूछ सके दो नंबर में, इनवेरियंट पॉइंट बताओ क्या होता है, ठीक है ना। इनवेरियंट पॉइंट वो होता है जो लिख भी रखा है इसमें, इफ जेड मैप्स इनटू इटसेल्फ, अगर जेड को उसी पे मैप कर दे, अगर आपने पॉइंट जेड रखा और जेड को कहाँ मैप कर दे, वो जेड पे, कहने का मतलब जैसे इसमें आप जेड रखो तो टोटल आंसर कितना है, जेड आ जाए, इसका मतलब डब्ल्यू कितना आ जाए, जेड के बराबर, तो वो पॉइंट क्या बोला जाएगा, इनवेरियंट पॉइंट। आगे बात समझ में, तो इसने लिख तो दिया,
जेड मैप्स इनटू इटसेल्फ। इसका मतलब जैसे आप इसमें जेड भरो, जेड की जगह वैल्यू भरो, तो डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, जेड ही आना चाहिए, तो सब क्या बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। ठीक है, इसके फैक्टर इधर कर लेना तो जेड स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब इसके आप रूट निकाल लोगे सेकंड के, ये बात हमने लिख भी दी, तो जेड के वे मान निकलेगा, निकल जाएंगे आपके, जिन पे जब आप इसमें जेड रखोगे ना तो जेड ही आएगा आंसर, तो इनवेरिएंट पॉइंट बोल देते हैं इन्हें। यदि रूट्स इक्वल आ जाएं तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोली जाएगी, पैराबोलिक। मान लीजिए जेड के यहाँ से दो मान आएंगे क्योंकि गुणा करोगे जेड स्क्वायर में बनेगी, तो जेड के दो मान आएंगे, अगर दोनों सेम आ गए तो पैरा बन जाएगी पैराबोलिक। एक तीसरा पॉइंट वो क्रॉस रेशो के बारे में पूछ सकता है, क्रॉस रेशो क्या होता है। अगर आपके पास में चार पॉइंट हैं तो उनका क्रॉस रेशो ऐसे लिखना, जेड वन जेड टू जेड थ्री माइनस जेड फोर जेड टू माइनस जेड थ्री जेड फोर माइनस जेड वन। याद रखने का तरीका, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, फिर दो तीन चार एक, इस तरह याद रख लेना, ये क्रॉस रेशो है। अब क्रॉस रेशो क्या है वो आगे देखो कहाँ यूज होता है इसका। एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो प्रिजर्व रखती है क्रॉस रेशो, हमेशा याद रखना। अगर W आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो सिंपल सी बात है ये क्रॉस रेशो प्रिजर्व रखेगी। कहने का मतलब अगर W वन माइनस W टू, मतलब W वाले वैल्यूज का क्रॉस रेशो निकाल लोगे और Z वाली वैल्यूज का क्रॉस रेशो निकाल लोगे तो बराबर आएगा। ठीक है, क्लियर है बात मेरी। ये क्या है W1, Z1 पे इमेज है W1, Z2 पे इमेज क्या है W2। क्रॉस रेशो को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के W1 कोमा W2 कोमा W3 कोमा W4, इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन किस तरह होगी, इस तरह। हम ये भी कह सकते हैं क्रॉस रेशो 1 2 3 4, तो आप लिखोगे किस तरह, इस तरह खोल के लिख देना। ठीक है, इस तरह क्रॉस रेशो की परिभाषा पता होनी चाहिए। अब आ जाओ थोड़ा सा, अब आपसे वो ये कहेगा, एक सवाल देगा कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो। तो आपको पता बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, डब्ल्यू इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। इसे निकालने के लिए क्या चाहिएगा, बस ए बी सी डी। ये कैसे निकाल लोगे आप, वो आपको क्वेश्चन देगा और कहेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो। वो आपको क्वेश्चन देगा, ये कहेगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो। और जब वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो ये कहेगा, तो आप डब्ल्यू का मान ही लिख लेना, मान लेना कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी है मेरी। अगर जब इसे आप निकालने की कोशिश करोगे तो यहाँ जरूरत पड़ेगी ए की, बी की, सी की और डी की, ये आप कैसे निकाल लोगे। तो इसमें वही कंसेप्ट यूज करोगे कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व रखती है क्रॉस रेशो को, उसी के आधार पे निकालना। तो ये लिख लेना आप, चौथे पॉइंट की जगह क्या मान लेना है W, उस आधार पे कर लेना। ठीक है ना, क्रॉस रेशो इस फॉर्मूले को लगा लेना, आपकी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकल जाएगी। पेपर में अच्छा खासा क्वेश्चन आया करा इसका। ठीक है ना, अब जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जांपल 12, क्या कह रहा है, फाइंड करिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो क्या किस तरह की दे रखी, वो कह रहा आई को तो मैप करता है जीरो पे, और माइनस आई को किस पे करता है वन पे, और वन को किस पे करता है इनफाइनाइट पे। जेड प्लेन में ये वैल्यू है और डब्ल्यू प्लेन में ये वैल्यू है। ये वैल्यू तो है किस में, डब्ल्यू प्लेन में, और ये वैल्यू किस में है, जेड प्लेन में। तो ये कह रहा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो जो इन वैल्यूज को, तो जेड प्लेन की इन वैल्यूज को तो कहाँ मैप कर देती है, इन वाली वैल्यूज पे। तो इसमें क्या लगाओगे, जेड की वैल्यू तो लग लिख लो, डब्ल्यू की वैल्यू लग लिखो, क्रॉस रेशो का फार्मूला लगाओगे। ठीक है ना, इसमें चौथा पॉइंट मानना नहीं चलना, तीन मान के चलने हैं। तीन में क्या, एक दो तीन, फिर क्या, तीन दो एक, बस याद रखना इधर भी इधर भी। अब यहाँ वैल्यू रख लेना जेड W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3। ठीक है ना, और जो यहाँ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एक पॉइंट की तरह काम करेगा, ध्यान रखना यहाँ कैसे। अब मैंने क्या करा इसे इनफाइनाइट को खत्म करने के लिए, इनमें से इनफाइनाइट कॉमन ले लिया, इनफाइनाइट कॉमन लेते हुए वन अपॉन इनफाइनाइट, वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है, हो गया काम खत्म। यहाँ से इनफाइनाइट कॉमन लिया, डब्ल्यू अपॉन इनफाइनाइट जो भी जीरो हो गया, माइनस वन यहाँ से बच गया, माइनस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट यहाँ कटेगा, कोई टेंशन नहीं। इधर भी रख, ये पॉइंट रख लेना, तो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली आपका ये आंसर आएगा, यही आपकी क्या हुई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको निकालनी थी। जैसे आप इसमें वन रखोगे, जब आप आई रखोगे तो आंसर जीरो आएगा, रख के देख लो, जेड की जगह आई रख दो तो सारा जीरो हो जाएगा, आ गया ना। अब तुम इसमें माइनस आई रख लो जेड की जगह, तो आपको वन आएगा, निश्चित आएगा वन, कैलकुलेशन करके देख लेना, चाहे ये आएगा वन। जब आप जिसके अंदर आई रखोगे तो जीरो आएगा, देखो रखो आई इसके अंदर, आई रख तो जीरो होगी पर टर्म। जब आप माइनस आई रखोगे तो वैल्यू माइनस, ये वन आएगी, निश्चित है गारंटी। जब आप वन रख दोगे इसके अंदर, ठीक है ना, ये वन रखोगे तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, वो मुझे पता ही चल रहा है। जैसे मैं जेड की जगह वन रखूंगा तो बटे में जीरो हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालनी है, इस तरह आपने ये टॉपिक तैयार करना है। इसका आगे का मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है ना। देखो अपना आप पढ़ना पड़ेगा, अगर कुछ समझना है तो कॉल भी करनी पड़ेगी। अगर ये सोचते हो कि मैं इतने कम समय में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूँ तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। आप लोग इसे तैयार कर लेना, अच्छे से पढ़ना कोशिश करना, कोई दिक्कत आए तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू।